एक्सट्रीम न्यूज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम इंडिया गेट पर, यहाँ सभी अधिकारीगण आईएएस आईपीएस एलआईसी से हमारे बीच में एक अधिकारी जी आए हुए हैं और हमारे राष्ट्रीय कवि नागपाल जी भी हमारे बीच में बगल में आके खड़े हो गए हैं। आइए आज हम जानकारी लेते हैं कि आइए बहुत तादाद के अंदर जो इतनी भीड़ है वो क्यों आई, इसका आने का क्या पर्पज है। केपी चौधरी साहब, आज जो पब्लिक है इतनी गैदरिंग, आज इसका यहाँ आने का क्या मकसद है? इतना और हम आते हैं तो जब इतनी पब्लिक नहीं होती है, लेकिन आज एक बहुत तादाद के अंदर पब्लिक है। देखिए, बाबा साहब अम्बेडकर के प्रति जो आज हमारे पूरे भारतवर्ष में जो एक लोगों में जोश, ना केवल भारत में, मैं कहूँगा कि आज लंदन जो उनका बाबा साहब का हाउस था उस पर भी आज संविधान दिवस मनाया गया है। अभी शाम को लंदन के अंदर भी साउथ हॉल में भी एक कार्यक्रम बड़ा आयोजित किया जा रहा है। कल विज्ञान भवन में भी एक बहुत बड़ा प्रोग्राम हो रहा है, इसमें भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी उसमें शिरकत कर रहे हैं। और आज जो ये राजपथ पर ये भीड़ उमड़ी है अनुसूचित जाति जनजाति और बुद्धिस्ट समाज की, ये इस बात का प्रतीक है कि बाबा साहब अम्बेडकर के प्रति जो हमारे समाज के लोगों में, देशवासियों में जो श्रद्धा है, वो इस बात का जीता जागता प्रमाण है कि इतनी भारी संख्या में राजपथ पर आज तक भीड़ नहीं देखी गई जो आज हम 26 नवंबर यानी संविधान दिवस के उपलक्ष्य में आज देख रहे हैं। तो ये इस जोश को प्रदर्शित करता है कि बाबा साहब अम्बेडकर के प्रति जो हम लोगों के मन में एक भाव है, एक सम्मान है, उसका ये प्रमाण है कि पूरे देश के कोने कोने से और दिल्ली के कोने कोने से आज भारी संख्या में लोग यहाँ पर अपना घर से खाना बना करके लाए हैं, अपने परिवार के साथ आए हैं, सब लोग यहाँ पर खाना खा करके अपने सेलिब्रेट कर रहे हैं यहाँ पर इस खुशी को, क्योंकि आज संविधान 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ, बाबा साहब अम्बेडकर ने वो संविधान बनाया था और वो संविधान आज देश को समर्पित किया गया 26 नवंबर के दिन। और पिछले वर्ष भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसको एक राष्ट्रीय स्तर पर भारत सरकार की तरफ से मनाने का भी एक ऐलान किया और आज हमारा समाज इसको पहली बार हम देख रहे हैं कि राजपथ पर मना रहा है। तो ये हम सब लोगों के लिए बड़ा खुशी का मौका है। मैं सभी देशवासियों को, विशेष रूप से बाबा साहब अम्बेडकर के अनुयायियों को इस खुशी के क्षणों के लिए मैं उनको विशेष रूप से बधाई देता हूं और उम्मीद करता हूं कि आने वाले वर्षों में ये प्रोग्राम और अच्छा होगा, और अच्छा होगा, और अच्छा होगा। सर, एक तरफ कहा जाता है कि संविधान खतरे के अंदर है और आज आप इसको हर्ष और उल्लास के साथ मना रहे हैं, तो खतरे की जो बात है और आप हर्ष उल्लास के साथ मना रहे हैं? जी देखिए, ये तो भारत की जो सामाजिक व्यवस्था है उसमें हर आदमी को अपनी अभिव्यक्ति का अधिकार है। भारत का संविधान, जैसा कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी ने जब जनपद पर वो डॉक्टर अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर का जब वो उद्घाटन कर रहे थे, वहाँ पर नींव डाल रहे थे, तो उन्होंने कहा कि अगर भारत का संविधान ना होता और बाबा साहब अम्बेडकर कर ना होते तो भारत का संविधान ना होता, और अगर ऐसा ना होता तो मैं आज भारत का प्रधानमंत्री नहीं होता। तो ये तो लोग आते रहेंगे जाते रहेंगे, प्रधानमंत्री आते रहेंगे जाते रहेंगे, राष्ट्रपति आते रहेंगे जाते रहेंगे, लेकिन संविधान अपनी जगह भारत का अखंड है, अखंड था और अखंड रहेगा। और इस संविधान के रहते हुए प्रत्येक भारतवासी पूरी तरीके से सुरक्षित है और इसके तहत हर नागरिक के अधिकारों को सुरक्षित करने का बाबा साहब अम्बेडकर ने प्रावधान किया है। इसीलिए बाबा साहब अम्बेडकर हमेशा भारत के अंदर याद किए जाएंगे, दुनिया के अंदर याद किए जाएंगे, और उनका जो स्थान है शायद मुझे लगता है कि पूरे भारतवर्ष में, पूरी दुनिया में कोई ले नहीं पाएगा। यही हम सब लोगों के लिए बहुत बड़े खुशी के पल हैं, खुशी के क्षण हैं। और संविधान को जहाँ तक परिवर्तन करने की बात है तो ये कुछ लोगों की मानसिक संकोच, जो उनकी संकुचित मानसिकता है उसका प्रमाण हो सकता है, उनकी ये सोच हो सकती है, लेकिन ना संविधान बदला गया है ना संविधान बदला जाएगा, संविधान यथावत रहेगा। अमेंडमेंट समय समय पर जो संशोधन है वो समय के अनुसार होते रहेंगे, वो आगे होते रहेंगे, पर बाबा साहब का संविधान बदलने की किसी की औकात नहीं है, किसी की क्षमता नहीं है, और ये सिर्फ एक भ्रामक प्रचार है। और हम ये बात बहुत जिम्मेदारी के साथ कहना चाहते हैं कि हमारा बाबा साहब का बना हुआ संविधान हमेशा भारत के हर नागरिक को पूरी तरीके से एक सुरक्षा का वातावरण देता रहेगा। सर, ये एक तरफ आज के ही दिन शायद बाबा साहब ने कहा था कि आज मैं उस रानी के पेट का ऑपरेशन कर रहा हूँ जिससे राजा पैदा हुआ करते थे, आज मैं वो संविधान दे रहा हूँ जो बैलेट पेपर से जो राजा पैदा होंगे, क्या ये बात सत्य है और ये कब कही थी, क्या कथन है इसका? देखिए, जब संविधान में सभी लोगों के लिए बराबरी का अधिकार दिया गया, सबका वोट का बराबरी हुई, क्योंकि यहाँ पर पहले जब प्रीवी पर्स की समाप्ति पटेल साहब ने की तो पहले यहाँ राजा प्रथा थी और राजा के यहाँ रानी के पेट से ही जो राजा पैदा होता था, उनका जो बच्चा होता राजकुमार वही राजा बनता था, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने भारत का संविधान बना करके व्यवस्था को परिवर्तित कर दिया। और आज जैसा कि बताया जाता है कि आज हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं वो एक बहुत ही गरीब तबके से ताल्लुक़ रखते हैं और गरीब परिवार में पैदा होने के बावजूद भी आज वो प्रधानमंत्री जैसे महत्वपूर्ण पद पर पहुंचने में कामयाब रहे, ये निश्चित रूप से बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा बनाए गए संविधान की ही वजह से संभव हो पाया।
गया है। आपने अपने जन्मदिवस पर जो संकल्प लिया था अम्बेडकर भवन का, उसके बारे में कुछ बताएं। देखिए, मैंने संकल्प नहीं लिया, ये तो मेरे समाज के लोगों ने, मेरे साथियों ने, मेरे संगठन के लोगों ने संकल्प लिया। मेरा तो जन्मदिन था, वो मैंने नहीं मनाया था, मेरे संगठन के लोगों ने मनाया था। और उस दिन जो संकल्प लिया गया था, उस संकल्प में तीन संकल्प लिए गए हैं। उसमें एक ये है कि हर महीने में एक बार संडे में कैडर कैंप का आयोजन किया जाएगा, जिसमें 100 लोगों को कैडर दिया जाएगा। और माननीय अजीत गौतम साहब, जो बाबा साहब अम्बेडकर और माननीय काशीराम जी के सहयोगी रहे हैं, वो उस कैडर को 77 वर्षीय अजीत गौतम साहब हर महीने समाज के लोगों को कैडर देंगे और वो फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। नंबर दो, हमने 25 बच्चे IAS की कोचिंग के लिए, हमने पूरे देश से हम छटनी कर रहे हैं। 5 बच्चे शेड्यूल कास्ट गरीब बच्चे, 5 शेड्यूल ट्राइब्स गरीब बच्चे, 5 OBC के गरीब बच्चे, 5 माइनॉरिटी गरीब बच्चे और 5 जनरल कैटेगरी के गरीब बच्चों को हम छांट रहे हैं। 25 बच्चों का फ्री IAS का कोचिंग, IPS का कोचिंग देने का हमने निर्णय लिया है। और उन पर जो भी कॉस्ट आएगी, अम्बेडकर भवन पर हमने वहाँ पर उनके रहने के लिए हॉस्टल की हम व्यवस्था कर रहे हैं। वहाँ पर उनका रहने का फ्री होगा, खाना फ्री होगा, उनकी एजुकेशन, जो उनकी फीस होगी, जो IAS अकेडमी है हमारी, उस IAS अकेडमी से हमारी जो बात हुई एस्पायर से, उन्होंने 25 बच्चों की फीस माफ़ कर दी है और उन बच्चों से कोई फीस नहीं ली जाएगी और उनकी बाकी व्यवस्था हमारा संगठन करेगा। और हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में ये सामाजिक समरसता का एक विशेष हम एक मिसाल देश में कायम करेंगे और सभी वर्गों के बच्चों को हम इसमें ला करके IAS बनाने का जो हमने संकल्प लिया है, हम उसको पूरा करेंगे। इसके साथ साथ एक अम्बेडकर भवन बाबा साहब ने बनाया है, एक अम्बेडकर भवन हमारे संगठन ने बनाने का निर्णय लिया है और उसके लिए टारगेट 12 नवंबर 2018 रखा गया है। इसमें हम IAS एकेडमी बना रहे हैं, इसके अंदर हम बच्चों के लिए हॉस्टल बना रहे हैं, इसमें एक हम लोगों के लिए जो है गेस्ट हाउस की सुविधा कर रहे हैं और एक एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक हम बना रहे हैं। तो ये 4 चरणों में हम लोगों को हमने ये तय किया है और इसमें हम इसको नवंबर 2018 में हम इसको शुरू करने का हमारा संकल्प है। और इसमें हमें लगता है कि इससे एक भारत के अनुसूचित जाति जनजाति गरीब बच्चों के लिए नई दिशा देने का जो हमने संकल्प लिया है, निश्चित रूप से समाज के लिए ये जो कदम है हमारे संगठन का, ये मील का पत्थर साबित होना चाहिए। धन्यवाद सर।